कूड़े में मिली कोविड की वैक्सीन तो हंगामा खड़ा हो गया, क्योंकि खबर मीडिया में आई और स्वास्थ्य विभाग की थू-थू होने लगी। जिस वैक्सीन को कोविड के इस दौर में एक संजीवनी की तरह माना जा रहा है, उसके लिए लोग यहाँ से वहाँ तक की दौड़ लगा रहे हैं। निजी अस्पतालों में दवा उपलब्ध नहीं है, सरकारी अस्पताल ही फिलहाल लोगों के लिए उम्मीद का सहारा है। ऐसे में कोविड वैक्सीन की वॉयल कूड़े में पाया जाना, यह मामला अपने आप में गंभीर ही नहीं सिस्टम की पोल खोलने वाला था। शुक्रवार को यह मामला जिले के ब्रह्मपुर प्रखंड अंतर्गत रघुनाथपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सामने आया। इसका वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। वहीं बचने के लिए तरह तरह की बातें भी कही जा रही हैं। कुछ का कहना है निजी क्लिनिक वालों ने एक तरह की साजिश करके अस्पताल के परिसर में यह दवा फिकवा दी है। इसका एक ऑडियो भी सामने आया है जिसमें एक निजी क्लिनिक संचालक द्वारा ऐसी बात कही जा रही है। फिलहाल आप उस ऑडियो को सुनिए। इस पूरे मामले पर तह तक जानकारी जुटाने के लिए हमारे प्रतिनिधि सुमित पांडे सोमवार को अस्पताल पहुंचे। जांच के लिए वहां सिविल सर्जन भी पहुंचे थे, उनसे भी बातें हुई, उनकी बात भी हम आपको सुनाएंगे। फिलहाल वह ऑडियो हमसे एक दिन तुतु में हुआ था, ठीक है, तो वो ऐसे बोला कि हम आपको खोज रहे हैं, सारा जो होती है यहाँ पे आप ही कराते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि मेरे नाम से एक प्राइवेट नर्सिंग होम जो है वो रजिस्टर्ड है, ठीक है, पहले से, ठीक है। तो वो लोग हमेशा ये धमकी देता है कि जहाँ कुछ होगी तो हम आपका क्लिनिक बंद करा देंगे। एक चीज और है, हम बता देते हैं आपको, ये होना चाहिए, ये क्लू नहीं रहना चाहिए कि ये वैक्सीन आया कहाँ से, कौन लाया। हमने सोची, हमने 7,000 रुपया लगा के मैंने वैक्सीन मंगाया। हालांकि इस ऑडियो की हम पुष्टि नहीं करते, हो सकता है या बचने के लिए एक हथकंडा हो या सच्चाई भी। सच क्या है यह तो खुलकर सामने आएगा, लेकिन जब प्राथमिकी दर्ज होगी और स्वास्थ्य विभाग इसकी जांच करेगा तो क्या सच्चाई सामने रखेगा यह आप भी समझ सकते हैं, और ऊपर वाला भी। हम तो बीच में हैं, जो होता है बस आप तक पहुंचाते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की तस्दीक करने मौके पर पहुंचे हमारे प्रतिनिधि सुमित पांडे की रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हम अभी मौजूद हैं बक्सर जिले के बरहपुर प्रखंड में। वैसे तो बरहपुर की जो नगरी है बाबा परमेश्वरनाथ की नगरी से प्रसिद्ध है, लेकिन कल से ही एक खबर ऐसी चल रही है जिसकी वजह से भी बरहपुर प्रखंड अब चर्चा का केंद्र बना हुआ है। खबर है कोविड वैक्सीनेशन को लेकर, यानी कि कोरोना के टीके को लेकर के। सरकार द्वारा कोरोना वैक्सीन बनाई गई, लोगों की रक्षा के लिए, लोगों की जो जान की जो कीमत थी उसे बचाने के लिए, लेकिन वही वैक्सीन यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कूड़े के ढेर में। आपको यह बताया चले कि लगभग 5 से 6 फाइल जो थी वो अनयूज्ड, यानी कि उसका इस्तेमाल नहीं किया गया था, उसमें वैक्सीन थी वह कूड़े के ढेर में पाई गई। उसी खबर की तह तक जाने के लिए आज हम पहुंच चुके हैं। अभी हम मौजूद हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरहपुर का, जहां पर कि अधिकारियों की जो टीम है वो लगातार यहां आ रही है और जाँच की बातें कही जा रही है। देखने वाली यह भी बात होगी कि यह जाँच कब तक पूर्ण होती है और किन किन लोगों पर इस जांच की जो नतीजे आएंगे उसकी गाज किन किन कर्मचारियों पर गिरती है। बताते चले कि यहाँ पर सिविल सर्जन बक्सर भी अभी कुछ ही देर में आने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहे, हम लगातार आपको खबरों से अपडेट करते रहेंगे और आगे की जो भी खबरें होंगी, आगे की जो भी जानकारियाँ होंगी वो आपको बक्सर खबर के माध्यम से लगातार हम देते रहेंगे। जाहिर सी बात है, इतना सुनने और देखने के बाद आप समझ गए होंगे वैक्सीन को लेकर के जो मामला सामने आया है उसने सबकी कलाई खोल के रख दी है। माना वह वैक्सीन ब्रह्मपुर से नहीं कहीं और से लाई गई, लेकिन जो सरकारी सप्लाई है वह निजी हाथों में कैसे पहुंची? माजरा क्या है वह धीरे धीरे खुलेगा। घटना के दिन वहाँ के स्वास्थ्य प्रबंधक से भी बात हुई थी, उन्होंने जो मीडिया से कहा उसके भी कुछ अंश आप यहाँ देख सकते हैं। यदि आप जो आप वीडियो आप दिखाए हमको, अभी हम इसको आज हम इसकी सत्यता की पड़ताल करेंगे, कौन लोग ऐसा किया है। मेरे कैंपस में पाया गया है, तो कैंपस में पाए जाने का मतलब है सीधा सा कि मेरे ही हॉस्पिटल का है, तो वीडियो में तो साफ दिख रहा है कि आप ही कैंपस का। हाँ, तो मेरे ही हॉस्पिटल का है, तो हम आज सारे टेलीसीट को मिलाएंगे, जो लोग टेलीसीट फील्ड से लाते हैं
किनको हमने कितना वैक्सीन दिया था, कितना डोजो खपत करके आए हैं, उसके बाद हम देखते हैं कहाँ कितना वैक्सीन उन लोग हमको वापस किए हैं। स्वास्थ्य प्रबंधक विनोद कुमार का यह बयान शुक्रवार 21 जनवरी को लिया गया था, जब उस परिसर में वैक्सीन पाई गई थी, लेकिन तब से लेके अब तक बहुत सारे मामले इस पूरे वैक्सीन प्रकरण में सामने आ चुके हैं। जैसा कि हमने बताया, सिविल सर्जन भी सोमवार को जांच करने पहुंचे थे, उनसे भी बात हुई, उसके अंश। ये हमारे संज्ञान में आया है ये मामला, और इसके लिए हमने एक जांच कमेटी भी बना दी है। जांच का रिपोर्ट अभी आ जाएगा, और ये लगता है कि कोई साजिश के तहत ऐसा किया गया है, और बाकी जांच की प्रक्रिया का रिपोर्ट आ जाता है तो उसके हिसाब से हम लोग तुरंत उसकी कार्रवाई करेंगे। अगर ज़रूरत होगा तो FIR करेंगे और इसकी पूरी तहकीकात की जाएगी। जो भी इसने संलिप्त होंगे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सर, एक ऑडियो भी आया है जिसमें कि 7,000 रुपये में वैक्सीन खरीदने की बात कही जा रही है एक प्राइवेट क्लिनिक संचालक के द्वारा, तो ये तो मैटर जांच का है। और जहाँ तक सवाल है खरीदने का, तो अगर कोई खरीदा इस तरीके से तो हम लोग को पता ये भी करना होगा। इसी के लिए हम लोग उसको जांच में दिए हैं कि अगर कोई आदमी जो बेचा है उसका भी नाम आ जाए और उसके लिए FIR किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये साजिश के तहत ही कोई इसने ऐसा कार्य को किया है। सर, प्राइवेट क्लिनिक्स को लेकर के एक बड़ा सवाल यह भी आ रहा है कि अगर इस तरह के प्राइवेट क्लिनिक्स अगर मनमानी कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई हो। उन पर कार्रवाई अब बिल्कुल ही हमारे स्तर से चालू हो गई है, और अब क्लिनिक पर भी छापा होगा और धावा दल भी बनेगा। प्रभारी को ऑलरेडी हम लोगों ने ये पावर दे दिया है कि प्रभारी और CO और थाना प्रभारी मिल करके अपने एरिया में कोई भी तरह के नजायज क्लिनिक चल रही है उसकी सूचना हमें देंगे और उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। इस समूचे बक्सर जिला में सभी प्रभारी को ये ऑलरेडी हम लोगों ने एक्शन करने के लिए दे दिया है। अब प्रभारी लोग अपने स्तर से जो है अपने एरिया में अवैध रूप से संचालित कोई भी क्लिनिक अथवा नर्सिंग होम अथवा पैथोलॉजी या अल्ट्रासाउंड जो भी चल रहा है उसके बारे में वो जानकारी उन लोग से को करने के लिए कहा गया है। वो लोग जांच करके हम लोग को प्रतिवेदन देंगे, हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये तो जांच का विषय है। जांच का जो अगर साजिश हुआ है तो कोई ज़रूर कुछ है, उसके लिए हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे और उसके लिए FIR करेंगे। बाकी अपने पुलिस के काम में अभी तो खुलासा तो अभी नहीं हो, जांच रिपोर्ट आएगा उसके बाद ही हम कुछ बता सकते हैं आगे आपको, बाकी कार्रवाई होगी। कुल मिलाकर आपने पूरी रिपोर्ट देख ली, वैक्सीन कहां से चली, किसने बेची, कौन इसके लिए जिम्मेवार है, या कलाई खुलती रहेगी, लेकिन सच यही है कि जनता के हिस्से की गाढ़ी कमाई से लाई गई वैक्सीन कूड़े में फेंकना एक बड़ा अपराध है। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।